वेलकम बैक। इस क्वेश्चन ने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज फेवरेबल फॉर कपलिंग रिएक्शन। सो देखो, कपलिंग रिएक्शन में दो चीज़ रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है डाई अजोनियम, बेंजीन डाई अजोनियम। तो देखो, सब जगह हम लोग को दिया बेंजीन डाई अजोनियम। दूसरा जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है एक्टिवेटेड रिंग, मतलब एक बेंजीन रिंग होना चाहिए और उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो दो रिक्वायरमेंट है, पहला है डाई अजोनियम, कौन सा डाई अजोनियम, बेंजीन डाई अजोनियम। दूसरा है एक्टिवेटेड रिंग। देखो, इस रिएक्शन में, कपलिंग रिएक्शन में बेसिकली एक्टिवेटेड रिंग एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल एंड डायजोनियम एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। डायजोनियम इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और एक्टिवेटेड रिंग जो होगा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, मतलब ये आपका न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा और ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा और ये आपका न्यूक्लियोफिलिक होगा। सो देखो, न्यूक्लियोफिलिक में इस रिंग को एक्टिवेटेड होना है, बट यहाँ पर ये देखो क्या, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो दिस इज नॉट फेवरेबल, क्यों, द रिंग इज नॉट एक्टिवेटेड बट डीएक्टिवेटेड, तो ये तो नहीं होगा, तो ये अपना ऑप्शन फेवरेबल नहीं है। सेकेंड में देखते हैं, यहाँ पर बेंजीन रिंग है और ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इसके पास लोन पेयर होता है, सो रिंग इज एक्टिवेटेड। ये डायजोनियम है, ये भी क्या है, अपना लोन पेयर रखा हुआ है, तो हम लोग को तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल को आप इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है ना, इस रिंग का या इस डायजोनियम का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर देता है, हमें यहाँ पर प्लस चाहिए। दिस प्लस इज रिड्यूस्ड बाय दिस लोन पे, सो दिस इज नॉट फेवरेबल, तो ये भी इतना फेवरेबल नहीं है। थर्ड ऑप्शन, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग NH2 और ये हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है। यहाँ पर एक्टिवेशन बाय रेजोनेंस और यहाँ पर एक्टिवेशन तो है बट बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, सो दिस रिंग इज मोर एक्टिवेटेड, ये रिंग मोर एक्टिवेटेड और यहाँ पर आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, ठीक है, तो ये आपका मोस्ट फेवरेबल हो जाएगा। क्यों, आवर रिंग दैट न्यूक्लियोफाइल इज एक्टिवेटेड एंड आवर इलेक्ट्रोफाइल इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर ये NO2 आप सोच रहे होंगे इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर देगा, ठीक है, बट यहाँ पर ये रिंग इज नॉट सफिशियंटली एक्टिवेटेड, इसका एक्टिवेशन सफिशियंट नहीं हुआ है, इसलिए दिस विल बी मोस्ट फेवरेबल, ठीक है। याद रखना है, आपका जो एक्टिवेटेड रिंग होगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और डायजोनियम इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। आप अपने न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाइए और इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन विल बी सी। थैंक यू।